तो चलो बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए। और ये हमारा जुम्मा स्पेशल दाल गोश। ये तो देखिए आज रेसिपी में क्या बना रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे के पापड़। हाँ, तो यहाँ पर हमारे डो को भाप में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अभी देखते। बिस्मिल्लाह। हाँ माशाल्लाह। ये देखिए इस तरह से हाथों से नहीं निकालेंगे, बल्कि ये जो प्लास्टिक की शीट है इसको इस तरह से बिछा के ये देखिए आराम से निकल जाते पापड़ हमारे। ये देखिए अभी मैं पापड़ को फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह। देखिए हमारे पापड़ देखना कितने मस्त फ्राई हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह, देख सकते कितने ज़बरदस्त से फ्राई हुए हमारे पापड़, है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग हो गई हमारी और हमारा नाश्ता पानी भी हो गया, क्योंकि आज है जुम्मा। तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुम्मा है तो काम भी ज़्यादा रहता है, नमाज सब जाते हैं नहा धो के, और नमाज से आने के बाद सबको जल्दी से खाना चाहिए रहता है। तो मैं आज देखो खाने में क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ जुम्मा स्पेशल दाल गोश। देख सकते हैं आप लोग दाल गोश की तैयारी कर रही हूँ। और मेरे शौहर भी अभी आज गए हैं मार्केट, तो वो भी आएंगे जल्दी से। तो मार्केट से आने के बाद उनको भी भूख लगने वाली है, फिर जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद आप लोगों को रेसिपी बताऊँगी और मेरी दिन भर की रूटीन शेयर करूँगी, ठीक है। तो फिर चलो जल्दी से मैं सब मसाला वगैरह साफ करके आप लोगों को किचन में मिलती हूँ। तो देखिए आ गई हूँ मैं किचन में दाल गोश बनाने के लिए। यहाँ पर दाल गोश बन रहा है। देखिए गोश जो है हमारा भून रहा है। दाल यहाँ पर गला के रख दी हूँ, यहाँ पर दूधी भी रख दी पानी में, और ये इमली भी भिगा के रख दी। अभी जल्दी से नमाज के पहले ही मेरा दाल गोश बन जाता है, फिर उसके बाद नहा धो के मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, फिर आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह नमाज हो गई मेरी पढ़ के, और मेरे शौहर भी मार्केट गए थे सुबह से, तो वो भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी नमाज पढ़ के आ गए। और अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कि जैसा कि बताई थी दाल गोश बनने वाला है, तो दाल गोश बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह दाल गोश और ये स्टीम राइस। चलिए अभी हम लोग सब मिलके खाते, वो भी आप लोगों को दिखाते। तो चलो बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए। और ये हमारा जुम्मा स्पेशल दाल गोश। अच्छा है, सही टाइम पे मेरे शौहर भी आ गए, सुबह से गए थे ना। आप सबको मेरी पूरी फैमिली तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज जुम्मा के दिन आपने जो बनाई है दाल गोश, बोल रहा हूँ मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि लौकी दाल रही है ना, दिल खुश हो जा रहा है। गोश है, लौकी है, और ये दूधी है। और जुम्मा के दिन अगर दाल गोश मिल जाए घर के अंदर, ओहो माशाल्लाह दिल खुश। नमाज के बाद तो भूख बढ़ जाती जुम्मा की अक्सर। तो भाई आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, मैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं खाता हूँ और कैसा बना आपको टेस्ट करके बताता हूँ, है ना। हाँ चलो टेस्ट करके बताओ। माशाल्लाह चावल भी देखो एकदम खुले खुले बनाई आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ जाओ आप, कितनी तारीफ करूँ कम है, तारीफ की बाहर है, भंडार लगा तो तारीफ होगी, इतना अच्छा बनाई माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। आज जुम्मा के दिन दाल गोश रहेगा ना, बहुत अच्छा भी लगता है खाने के लिए। दाल गोश है, पुलाव है ना। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह तआला इस नियामत से हम लोग को नवाजा। अल्लाह तआला हर किसी का दस्तरखान इसी तरह सजावे, हर किसी को अच्छे से अल्लाह का नियामत खिलावे। हमारी आप अल्लाह का ये दुआ है। आइए आप लोग भी खाना खाएंगे। चलो फिर खाते हैं हम लोग, खा के आप लोगों से फिर मिलते हैं। फिर मिलती हूँ डायरेक्ट किचन में रेसिपी बनाते वक्त, ठीक है। तो खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, अभी मैं आई हूँ किचन में रेसिपी बनाने के लिए। तो देखिए आज रेसिपी में क्या बना रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे के पापड़। हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैंने चावल का आटा पिसा रही हूँ, चावल का आटा पिस के आ गया है। अभी मैं आज आप लोगों को इसके पापड़ बनाना बताऊंगी, तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। चावल के पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी, इसमें 1 कप, और इसमें और आधा कप, देखिए और आधा कप डाल रही हूँ, ये हो गया 1.5 कप।
डेढ़ कप पानी डाल दी मैंने, क्योंकि मैं एक कप चावल के आटे से पापड़ बना रही हूँ। एक कप चावल के आटे से भी बनाएंगे तो 20 से 21 पापड़ बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत अच्छे बनते, बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो फिर देखिए, डेढ़ कप पानी मैंने डाल दी हूँ कढ़ाई में। अब इसमें जाएगा एक चम्मच नमक, नमक भी डाल दी। अब इसमें जाएगा एक चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। अगर आप लोगों को तीखे नहीं बनाना है तो चिल्ली फ्लेक्स मत डालिए, मुझे थोड़ा तीखा बनाना है तो इसलिए मैं चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा एक चम्मच तेल। चलिए अभी पानी में बॉयल आने देंगे हम। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून खाने का सोडा। बिस्मिल्लाह, देखिए खाने का सोडा भी मैंने डाल दी। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएगा ये एक कप चावल का आटा। बिस्मिल्लाह, चावल का आटा डाल के हम इसको बेलन से चलाएंगे, बेलन से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाता है, देखिए है ना, बेलन से ही डाल के ऐसा मिक्स करते जाएंगे फटाफट फटाफट। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है पानी में आटा हमारा। अब क्या करेंगे, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको मैं ढक के रख दूंगी एक 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ढक के रखे हुए हमारे चावल के आटे को 10 मिनट हो चुका है। चलिए देखते हैं, हमारा आटा भी ठंडा हो गया है और अच्छी तरह से सेट हो गया है। चलिए अब इसे निकालेंगे एक बर्तन में। देखिए मैंने एक बाउल में सारा आटा निकाल ली हूँ, ये अभी हल्का गर्म ही है, इसको हल्के गर्म में ही हम गूंद लेंगे। एकदम ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का गर्म रहेगा तभी हमको इसको गूंदना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रोल कर दी हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसको चार हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। चार इस तरह से बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। हर एक पेड़ा लेके हम इसको इस तरह से राउंड कर लेंगे अच्छे से, देखिए, और इस तरह से बीच में इसके होल कर देंगे, जिस तरह से मेंदू वड़ा करते हैं ना उस तरह से। देखिए क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे। छलनी में पहले हम थोड़ा तेल लगा लेते हैं ताकि ये जो आटा रखेंगे ना तो ये चिपके नहीं, क्योंकि इसको स्टीम करना है हमको। अब इसी आटे को हमको स्टीम भी करना है, तब हमारे जो पापड़े बहुत अच्छे से बनते हैं, ज़रा भी नहीं फटते। देखिए मैंने लगा ली तेल, अब इसमें एक एक करके हम ये रखते जाएंगे। देखिए दूसरा भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसी तरह से करके। ये देखिए इस तरह से क्या है ना, भाप सब अंदर तरफ चारों तरफ ही लग जाएगी, इसीलिए इस तरह से हम होल करते हैं। चलिए अभी चारों करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने चारों पेड़े को इस तरह से बना के छलनी में रख दी हूँ। अब इसको रख देंगे हम एक पानी के बर्तन पे। ये देखिए यहाँ स्टीम देने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाल दी हूँ, और पानी भी हमारा गर्म हो रहा है। इसके ऊपर हम ये छलनी रख देंगे और इसको हाई फ्लेम पर ढक कर 15 मिनट तक हम स्टीम होने देंगे। 15 मिनट अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा हमारा चावल का डो, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे डो को भाप में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाह, हाँ माशाल्लाह। चलिए अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इस तरह से रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैं आप लोगों को फिर इसको गून के बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है वो हल्का ठंडा हो चुका है, देखिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम हाथों से गून लेंगे। ये हल्का हल्का गर्म ही है, अभी गर्म गर्म में ही हम इसको गून लेंगे और डो बना लेंगे। तो ये देखो इसको मैंने डो बना ली हूँ इसका।
अब क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे। जितना हमें पापड़ बनाना है उतना बड़े हम पेड़े तोड़ लेंगे। इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। देखिए इस तरह से इतने बड़े बड़े हम पेड़े बना लेते क्योंकि पापड़ हमें उतने ही बड़े बनाना है। एक ही साइज़ के हम सब बना लेंगे और इस तरह से अच्छे तरह से स्मूथली कर लेंगे, पेड़े को स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं पापड़ बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सारे डोके मैंने पेड़े बना ली हूँ, सब ये साइज़ के, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हमारे 22 से 23 पेड़े बन गए हैं एक कप चावल के आटे से, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको खुला नहीं रखेंगे, इसको ढक के रखेंगे और जब हमको एक चाहिए तो एक निकाल के लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पॉलीथीन ले लेंगे इस तरह की, कोई भी प्लास्टिक आप लोग ले सकते हैं, या तो तेल की इस तरह से आती है प्लास्टिक वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये है तो मैं ये ले रही हूँ। इस पर हम तेल लगा लेंगे। सबसे पहला हमें इसे बेलना नहीं है, बिना बेले के हम पापड़ बना के रेडी कर लेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं हर साल बनाती हूँ मेरे घर में पापड़। ये देखिए, ये साइड भी मैंने तेल लगा दी हूँ, दोनों साइड मैंने पन्नी पे तेल लगा दी हूँ। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसके ऊपर रख के ये दूसरे साइड से भी हम प्लास्टिक को बंद कर देंगे और इस तरह से एक प्लेट लेकर हम इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से ज़ोर से प्रेस करने पर हमारे पापड़ अच्छी तरह से बन जाते, बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। फटाफट इसी तरह से दबाते जाओ और पापड़ बनाते जाओ। देखिए इस तरह से प्रेस कर देंगे थोड़ा, तो ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह ये हमारे पापड़ जो है अच्छी तरह से बन गए, है ना। थोड़ा जाड़ा लगता होगा तो इस तरह से हाथों से इसको और फैला देंगे, हमारे पापड़ जो है अच्छी तरह से चारों तरफ से हो जाएंगे। ये देखिए गोल गोल पापड़ बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, कितना मस्त बन गया है बिना बेले हुए। बेलने का बिल्कुल झंझट नहीं करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इस पापड़ को हम एक कपड़े पे भी कपड़ा बिछा के उसके ऊपर डाल देंगे या तो प्लास्टिक बिछा के डाल सकते हैं। आइए दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हाथों से नहीं निकालेंगे बल्कि ये जो प्लास्टिक की शीट है इसको इस तरह से बिछा के, ये देखिए आराम से निकल जाते पापड़ हमारे, ये देखिए, है ना, इस तरह से इसको प्लास्टिक के ऊपर बिछा देंगे। चलिए अभी सारे पापड़ में इसी तरह से बेल बेल कर यहाँ पर लाके बिछा देती हूँ। अभी मैं एक और एक आप लोगों को बना के बता देती हूँ। इस तरह से पेड़ा रख के दूसरी तरफ से भी शीट बंद करके हम इसको प्रेस कर देंगे, अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह से दबा रही हूँ, बस हाथों से प्रेस करते जाएंगे इसको थोड़ा। और ये हमारे पापड़ जो है माशाल्लाह ये रेडी हो जाते हैं। देखिए देख सकते हैं आप, गोल गोल पापड़ बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखिए ये भी पापड़ मेरा बेल के लेकर आ गई हूँ, इसको भी हम इसी तरह से डाल देंगे। तो ये इसी तरह से मैं सारे पापड़ बना के आप लोगों को फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पंखे के नीचे पापड़ को सुखा दी हूँ, इसको सूखते हुए 15 से 20 मिनट हो गया है। ये पंखे के नीचे ही आधे सूख जाते हैं, देखो सूखने के बाद ये अपने आप ही इस तरह से निकल जाते हैं, उसके बाद ये चिपकते नहीं है पंखे में सूखने के बाद। ये पंखे में सूख जाए तो उसके बाद आप इसे इस तरह से थाले में लगा सकते हैं। इसे लगा कर इसी तरह से रखिए, जब कड़क धूप आती है सुबह में तो उसको धूप में 2 घंटा सुखा देना, अच्छे कड़क कड़क हमारे पापड़ हो जाते धूप में, धूप दिखाना ज़रूरी है, समझे। तो ये पंखे में ही हमारे आधे सूख चुके हैं, देखिए अब चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इस तरह से थाली में रख के रात भर रख देना और सुबह जब धूप आती है जब धूप में डाल देना। मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि मुझे बनाते बनाते शाम हो जाती है, शाम में मैं इसी तरह से थाली में सब एडजस्ट करके इस तरह से रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट करके रख देंगे हम, उसके बाद
जब सुबह में धूप आएगी इसको ले जाकर धूप में डाल देंगे। देखिए ये देखिए चावल के पापड़ धूप में सूखने के बाद इस तरह से हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग मेरे चावल के पापड़ मैंने पहले भी बना के रखी हूँ इसको किस तरह से बने, ज़रा भी फटे हैं ना टूटे हैं। देखिए बराबर गोल गोल पापड़ हमारे बने हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसको मैंने बस 2 घंटे की धूप दिखा के सुखा दी हूँ, 2 घंटे में हमारे पापड़ जो अच्छे से कड़क हो गए। अब इसको आप लोग साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। हाँ मैं इसको बनाती हूँ और हम लोग फिर अब बारिश में खाते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को तो मेरे हाथ के पापड़ बहुत पसंद है। चलिए अभी आप लोगों को मैं इसको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। और ये इतने पापड़ भी मैंने 1 कप चावल के आटे से बनाई हूँ। देखिए 1 कप चावल के आटे से मेरे इतने ढेर सारे पापड़ बन के रेडी हो गए। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अभी मैं पापड़ को फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए हमारे पापड़ देखना कितने मस्त फ्राई हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह देख सकते कितने ज़बरदस्त से फ्राई हुए हमारे पापड़, है ना। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। खाने के साथ खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही कुरकुरे चावल के पापड़। देख सकते हैं हमारा पापड़। और मैं इसी तरह से और एक दो आप लोगों को तल के दिखा देती हूँ। मेरे शौहर को और बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं पापड़, और बोलते हैं कि मेरे ही हाथ के उन लोगों को अच्छे लगते हैं, तुम घर में ही बनाओ बोलते हैं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि बना के मेरे बच्चों को और शौहर को खिलाऊँ। देख सकते हैं हमारे पापड़, है ना। ये मैं आप लोगों को खा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं माशाल्लाह पापड़ खाने के लिए। आप लोगों को मैं पापड़ खा के दिखाती हूँ कि हमारे पापड़ किस तरह से बने हैं, एकदम कुरकुरे क्रिस्पी। ये देख देख सकते हैं आप लोग, देखिए है ना, खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जिस तरह से आप बाहर खाते हैं ना हम लोग पापड़, उसी तरह के पापड़ बनते हैं। चाहिए तो आप इसके ऊपर लाल मिर्ची की पाउडर डाल सकते हैं, कांदा टमाटर वगैरह डाल के चाट मसाला मार के खाइए, और अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अभी मेरे सैफान को भी खिला के दिखाती हूँ। सैफान सैफान होमवर्क कर रहा है ना, आओ खा के दिखाओ कैसा बना मम्मा का पापड़। सैफन को बहुत पसंद आता है, कैसा बना? बहुत अच्छा। सैफन ने पास कर दिया। तो आप लोग भी मेरी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजीली बन जाते, बहुत जल्दी बन जाते। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये राइस पापड़ की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर अभी मैं एंड करती हूँ वीडियो को, है ना। आप लोगों को कैसा लगा हमारा दिन भर का रूटीन और चावल के पापड़ की रेसिपी, कमेंट ज़रूर करना। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और मेरी अम्मी की इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर फॉलो कीजिए, मेरी अम्मी की इंस्टाग्राम आईडी का नाम है अफिल दस्तक। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़, पापड़ खाते हैं।